यूपी में धर्म कार्ड खेलने को लेकर चुनाव आयोग सख्त, अली बजरंग बली वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग का नोटिस। 24 घंटे के अंदर योगी को देना होगा जवाब, योगी ने रैली में अली और बजरंग बली के नाम पर मांगे थे वोट। मुस्लिम मतदाताओं से अपील पर मायावती पर शिकंजा, आज चुनाव आयोग को देंगे जवाब। नमो टीवी पर बीजेपी को चुनाव आयोग से झटका, बिना अनुमति का कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश। बिना कमेटी की मंजूरी के नमो टीवी पर कोई कंटेंट ना दिखाने की हिदायत, बिना इजाजत नमो टीवी पर डाले गए सभी कंटेंट हटाने के आदेश। मिशन साउथ पर आज पीएम मोदी और राहुल गांधी, राहुल की मदुरई और तीनी में आज रैली। पीएम मोदी आज रात मदुरई में ठहरेंगे, कल थेनी में मांगेंगे वोट। आज मोदी की तीन रैलियां, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में पीएम का भाषण। आज अमित शाह वाराणसी के दौरे पर, मोदी के नामांकन से पहले हालातों का लेंगे जायजा। गुजरात में राजनाथ सिंह की तीन रैलियां, आगरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, चुनाव तक हस्तक्षेप नहीं करने की केंद्र की याचिका खारिज। नमो फूड पैकेज को लेकर उठे विवाद पर चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ी, नमो फूड पैकेज नहीं कई साल पुरानी। नमो स्टिकल लगे खाने बंटवाने को लेकर बीएसपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई सहायता राशि, मिलेंगे 15 लाख। बम धमाके, रोड एक्सीडेंट या फिर दंगा फसाद में मौत होने पर 30 लाख की मिलेगी सहायता राशि, शारीरिक क्षति होने पर मिलेंगे 7 लाख। मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान का आरोप, बुरके की आड़ में फर्जी मतदान, चुनाव आयोग ने खारिज किया बालियान का आरोप, कहा पहचान के बाद ही हुई वोटिंग। गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवारों का बालियान पर पलटवार, ध्रुवीकरण की साजिश का आरोप। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जनसेना के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता गिरफ्तार, ईवीएम को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई। चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल, खराबी को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत। बरेली में अखिलेश के जनसभा में लगे चौकीदार चोर के नारे, अखिलेश बोले चौकीदार की चौकी इस बार छीन लेंगे। राहुल गांधी के ऊपर मारे गए लेजर प्रकरण पर स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली खुद को हारता देख राहुल अपना रहे हैं हथकंडे। अजमेर के खरवा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान मारपीट, आपस में ही नेता और कार्यकर्ता भिड़े। संगरूर से पीडीए के उम्मीदवार जस्सी जसराज की फिसली जुबान, लोगों से कहा मेरे जूते खाओगे। वडोदरा में बीजेपी नेता ने दी मतदाताओं को धमकी, वोट ना देने पर ठिकाने लगाने की कही बात, पार्टी ने लिया संज्ञान। बुलंदशहर में बीजेपी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, फायरिंग और पत्थरबाजी। गोना में एसपी नेता पंडित सिंह के बिगड़े बोल, पीएम को बताया नौटंकी बस। एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान, बोले चुनाव के बाद मोदी और शाह को भेज देंगे बांग्लादेश। आज तक से बोले शिवपाल, मुलायम सिंह यादव को दूंगा वोट। जहानाबाद में तेज प्रताप का चुनावी प्रचार, मजार पर की चादरपोशी। कटनी में मोदी ब्रांड साड़ियां, डिब्बे की तलाश में छापेमारी, महिलाओं को लुभाने के लिए लिखा है मैं भी चौकीदार। श्रावस्ती में गठबंधन से प्रत्याशी राम शिरोमणि के रोड शो में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, रोड शो में फंसी एम्बुलेंस। मंडी में जनसभा में शामिल होने स्कूटी से पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उदयाबाद में सीएम खट्टर ने तोड़ी आचार संहिता, सेना और एयर स्ट्राइक का किया जिक्र। गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान और आतंकियों की भाषा बोल रहा है विपक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर में 91 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत, ईवीएम में बंद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 80% से अधिक मतदान। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, 8 सीटों पर औसत मतदान 60% के पार, सहारनपुर में सबसे अधिक 70% से ज्यादा मतदान। गाजियाबाद में भी करीब 58% मतदान, गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग 60% के पार। बिहार में भी 4 सीटों के मतदान, औसत 50% से ज्यादा वोटिंग। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में बंपर वोटिंग, बंगाल के कुछ बिहार और अलीपुरद्वार में 82% से ज्यादा मतदान।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए लोगों ने डाला वोट। नैनीताल और हरिद्वार में 65% से ज्यादा वोटिंग। आंध्र प्रदेश में भी वोटिंग ज्यादातर जगहों पर 55% से अधिक मतदान। छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर मतदान 56% वोटरों ने डाला वोट। अंडमान निकोबार में 71% से ज्यादा मतदान। लक्षद्वीप सीट के लिए 65% से ज्यादा वोट। जम्मू कश्मीर के 2 लोकसभा सीटों के लिए घरों से निकले लोग। जम्मू में बंपर वोटिंग, बारामूला में भी लोगों में जश्न। जमशेदपुर से आप प्रत्याशी दिनेश महतो का स्टिंग। 55 लाख रुपए मांगने का ऑडियो वायरल। रुड़की में भाजपा नेता उड़ा रहे चुनाव आचार संहिता के खुलेआम धज्जियां। वोटर स्लिप में बीजेपी प्रत्याशी का नाम, चुनाव आयोग से शिकायत। हावड़ा में छठ घाट पर कमल का फूल देखकर अपना प्रचार करते नजर आए बीजेपी प्रत्याशी। जैतून में गांव वालों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। शौचालय और पानी से समस्या से है परेशान। टिहरी में 3 गांव ने किया चुनाव का बहिष्कार। सड़क ना बनने से थे नाराज। आज अखबार में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने की पूजा। बोले पाकिस्तानी सोच की हुई हार। मथुरा में हेमा मालिनी ने संतों से की मुलाकात। जीत कर लिया आशीर्वाद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज मुलायम सिंह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुलायम ने केस को बताया राजनीति से प्रेरित। नुकसान से जूझ रहे जेट एयरलाइंस ने कैंसिल की अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यात्री हुए परेशान। जलियांवाला के 100 साल पूरे होने पर आज कांग्रेस का अमृतसर में कैंप मार्च। कल राहुल देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली के उत्तम नगर में एक स्टोर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में चलती कार में आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। मेरठ में बैग फैक्ट्री में लगी आग, कोई हताहत नहीं। कुल्लू में YSRCP और TDP के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर चली लाठियां। मुरादाबाद में एनकाउंटर पर खड़े हुए सवाल, बदमाश के परिवार वालों ने किया हंगामा। पुलिस ने की मीडिया से बदसलूकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में दर्दनाक हादसा, एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत। बाराबंकी में तेज रफ्तार जीप जानवर को बचाने के लिए चक्कर में खाई में गिरी 3 की मौत। झांसी में डंपर ने 4 लोगों को मारी टक्कर, 3 की मौत। शिवपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव वालों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने लिया एक्शन। रायसेन में बुजुर्ग महिला की हत्या के गुट की सुलझी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की ली जान। नाव में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मोगा में कार चलाने के दौरान ड्राइवर को आया अटैक, गाड़ी बिजली के खंभे से टकराई, ड्राइवर की मौत। मोतीपुर स्टेशन पर यात्रियों का ट्रेन लेट होने पर बवाल, दूसरी ट्रेन को पहले पास दिए जाने से भिड़े यात्री। पटियाला में जेल में चल रहे ड्रग्स के कारोबार का भंडाफोड़, जेल कर्मचारी पहुंचाते थे जेल में ड्रग्स। नवी मुंबई में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटा, 2 लोग घायल। IPL के रोमांचक मैच में चेन्नई ने राजस्थान को 4 विकेट से हराया। आखिरी बॉल पर छक्का मारकर हासिल किया 152 का लक्ष्य। चेन्नई की जीत में कप्तान धोनी का कमाल, खेली 58 रन की दमदार पारी। 100 मैच जीतने वाले पहले IPL कप्तान। लक्ष्य का पीछा करते हुए 24 रन पर ही चेन्नई के 4 बल्लेबाज आउट। अंबाती के साथ धोनी ने बनाई साझेदारी। नियम तोड़ने को लेकर धोनी पर लगा आधी फीस का जुर्माना। नो बॉल के विवाद में धोनी मैदान के अंदर अंपायर से बात करने पहुंचे थे। आज IPL में कोलकाता और दिल्ली का मुकाबला, कोलकाता में होगी जंग। धौलपुर में गांव में घुसा मगरमच्छ, पहुंचा मचा हरकम। बलिया में 6 महीने से वेतन ना मिलने से एम्बुलेंस के कर्मचारियों की हड़ताल, मरीज परेशान। पणजी में 2 रूस की महिला गिरफ्तार, नशे का सामान बेचने का आरोप। बठिंडा में शख्स ने किया सुसाइड, पुलिस के एक्शन ना लेने पर परिवार वालों का हंगामा। दिल्ली में एक घर से 48 लाख की लूट, इनकम टैक्स अधिकारी बनकर रेट मारने आए थे लुटेरे।
गुरदासपुर में पिता के कत्ल में बेटे और पत्नी समेत 8 लोग गिरफ्तार, तंगी और अवैध रिश्तों की वजह से हत्या का शक। कुत्ते ने अपनी मालकिन के बेटे को आग से बचाया, घर में लगी थी आग। अमृतसर में महिला के पास के मिली हेरोइन, जस्सी डांसर के नाम से मशहूर थी महिला। कानपुर में हवाला का 50 लाख जब्त, कटे फटे नोट बदलने की आड़ में सालों से करता था हवाला का कारोबार। कानपुर में दो नाबालिग लड़कियों को अगवा कर धारदार हथियार से हमला, आपसी रंजिश में हमले का शक। बड़े पर्दे पर साथ आएंगे अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी, 21 फरवरी को रिलीज होगी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म। पीएम नरेंद्र मोदी पर आयोग की रोक के बाद मंदिर पहुंचे विवेक ओबराय, मुंबई के सिद्धिविनायक में दर्शन। अपनी फिल्म तरासी के लिए रणवीर सिंह ने शेयर किया पहला लुक, सोशल मीडिया पर डाली तस्वीर। हॉरर कॉमेडी में देखेंगे सैफ अली खान, पवन कृपलानी बनाएंगे भूत पुलिस। उदयपुर में इरफान कर रहे हैं अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग, फैंस में जबरदस्त क्रेज। जेट एयरवेज को खरीदने के लिए 4 कंपनियों ने लगाई बोली, 10 अप्रैल के आगे तारीख बढ़ाने की योजना रद्द। स्पेक्ट्रम फीस के मामले में बड़ी अनिल अंबानी की मुश्किलें, सरकार को नहीं चुकाई 492 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम फीस। मुंबई में आरबीआई के मुख्यालय पर मॉक ड्रिल, 25 मंजिला इमारत के आसपास बजाता रहा हेलीकॉप्टर। भारत में बंद हुई बजाज पल्सर 180, पल्सर 180F लेगी इसकी जगह। जियो को पीछे छोड़ने के लिए एयरटेल का नया प्लान, वॉल्टे के लिए एरिक्सन नोकिया से मिला हाथ। पाकिस्तान ने किया कोहिनूर हीरे पर दावा, बोला लाहौर म्यूजियम की अमानत को वापस करे ब्रिटेन। 43 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को लेकर बालाकोट के मदरसे में पहुंचे पाकिस्तान। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने जलियांवाला बाग को नरसंहार को बताया शर्मनाक धब्बा। अमेरिका में मौसम की मार, भारी बारिश ने मचाई तबाही। विकिलीक्स को लेकर ट्रंप का यूटर्न, बोले विकिलीक्स के बारे में नहीं जानता। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।